हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं आ गया हूं अपने एक नए व्लॉग के साथ। मैं अपनी पुरानी यादों को सन 2014 की यादों को मैं आप लोगों के साथ दोहराना चाहता हूं दोस्तों। और देखिए, हम लोग 2014 में जब फ़ोन फोटोज़ का इतना क्रेज़ नहीं था, तब भी हम लोग का पूरा परिवार हम लोग गए हुए हैं मुंबई। मेरे को मम्मी पापा रानी तीनों छोड़ने आए थे सऊदी की फ़्लाइट के लिए। और दोस्तों, मैं पहले से ही वीडियोस और फ़ोटोज़ लेने का बहुत शौकीन हूँ। ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये मेरे पिताजी हैं, देखिए। ये है हमारे सेक्टर 2 का गणेश का डेकोरेशन हो रहा है, देखिए। ये जब पूरा बन जाएगा उसके बाद आप देखिएगा, ये बेहतरीन, देखिए, पूरे रोड पे बिछा के रखे हैं एक तरफा। दोस्तों, साथ बनाए रहिएगा, लास्ट में एक से एक वीडियो से दोस्तों, मेरे बहुत पुराने वीडियो से देखिए। और दोस्तों, आपने देखा, ये मेरा ओरिजिनल वीडियो है 2000, और ये मैं निकल चुका हूँ एयरपोर्ट से। और आप देखेंगे, ये हमारे साथ भैया लोग हैं, मेरे साथ में है। मैं उस टाइम भी व्लॉग बनाता था, यानी वीडियोस बनाता था दोस्तों, परंतु मुझे पता नहीं था कि इसको व्लॉगिंग कहेंगे आगे चल के, और ये बहुत ज़्यादा ही सुपर डुपर हिट रहेगा। और ये मेरे साथ में भैया लोग हैं जो कि मेरे साथ जा रहे थे। हम लोग करीब 5 लोग थे जो कि हम लोग मुंबई से सऊदी की यात्रा कर रहे थे। और ये मेरे साथ कंपनी में भी थे, जॉब में दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं, मैं फ़्लाइट में ऊपर चढ़ रहा हूँ। और उस टाइम मेरे पास एक मोटो का फ़ोन था दोस्तों, उसी फ़ोन से मैं वीडियो ले रहा हूँ, इसलिए पिक्चर क्वालिटी ऐसे आ रही है। और ये 2014 का है दोस्तों, जब हम लोग फ़ोटो वीडियो इतना, किसी के पास फ़ोन इतना रहता नहीं था। और उस टाइम मैं बहुत शौक़ था मुझे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का, इसलिए मैंने ले लिया। और ये हम एक जगह से दूसरे टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल से तीसरे टर्मिनल जा रहे हैं, आप देख सकते हैं बस में। और मैं ये चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ, हम लोग इस बस में दूसरी जगह जा रहे हैं जहाँ हमारा जहाज है। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, मोबाइल शेक हो रहा है क्योंकि मैं बस में हूँ और फ़ोन की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। और आप देखेंगे एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट के बाद फिर हम लोग दूसरे एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहरीन में उतरे हुए हैं। और बहरीन में मैं चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर, ये मुंबई एयरपोर्ट की कुछ झलकियाँ। मैं सऊदी में हूँ, रात के 1 बज रहे हैं, और ये देखिए गाड़ियों का काफिला। और ये रहा दोस्तों मेरा यात्रा का थोड़ा बहुत झलकियाँ दोस्तों। और ये देखिए, हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। और ये मेरे साथ में जो 4 लोग थे, इनमें और एक बंदा था दोस्तों, हम लोग टोटल 4 या 5 लोग थे हम लोग। और यहाँ वहाँ का खाना देखिए दोस्तों, खबूस है वो। और ये हम लोग को जब ऑफिस से फाइल्स मिली थी तब चेक कर रहे थे, ये एक बंदा था हमारे साथ। और ये शुक्रवार का बिरयानी थी दोस्तों, और वहाँ की गर्मी देखने लायक ख़तरनाक। और ये देखिए फिलिपिनी है मेरे साथ। और ऐसे दोस्तों, ये कैंप का एरिया था जहाँ पर ऐसे पत्थर वख्तर बने हुए थे। और ये देखिए, मैं सऊदी के रंग में ढलता हुआ धीरे धीरे। और ये सेफ्टी शूज़ के साथ हेलमेट्स प्रोवाइड किए गए दोस्तों। और ये मेरा आईडी कार्ड था वहाँ पर का। और ये देखिए, हम लोग को पूरे दिया गया था गैजेट्स। और ये पहला दिन है दोस्तों जहाँ पर हमको मरुस्थल में डाल दिया गया था, बहुत ज़्यादा गर्मी। और डॉलर भाई की फ़ोटो पापा भेजे थे। और ये तस्लीम है मेरा दोस्त, और ये मैं हूँ, देख लीजिए आप, गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। और ये यहाँ पर प्लांट आरामको प्रोजेक्ट में मैं इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइज़र के तरह काम कर रहा था दोस्तों। और औसम खाना है सऊदी का, बहुत बेहतरीन। और ये शोरूम में लिए गए फ़ोटो है दोस्तों। और ये कार देखिए, हार्ली वहाँ पर खड़ी थी। फिर मैं इंडिया आता हूँ, और इंडिया आके दोस्तों मैं RS 200 पल्सर लेता हूँ। और मैंने बहुत ज़्यादा वेट अपना गिरा भी दिया था, और देख लीजिए दोस्तों, ये RS के साथ। और ये BMW शोरूम मुंबई। और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, थैंक यू दोस्तों। ये गोल्डी डॉलर बैठा है, बहुत बदमाश हो गया आजकल, बहुत बदमाश। तेरा बेड मैंने पूरा साफ कर दिया इसे, दम नीट एंड क्लीन।
ये मेरी माँ खड़ी है। ये हम लोग का रूम जो कि अभी बहुत अस्त व्यस्त है। ये मेरी माँ को बच्चे लोग दिए गिफ्ट टीचर्स डे में। ये कृष्ण भगवान और क्या है, ये बालाजी का कुछ है, दही है। पापा जी खा रहे हैं। ये हमारी कार जो कि जब से तू गया है एक भी बार निकली नहीं है। तेरी गाड़ी अभी अंधेरा है तो आ नहीं रहा। बस यही है एज इट इज और क्या। चलो बाय टाटा। थोड़ा नीचे कर हाथ। हाँ स्टॉप। हाँ हाँ खाओ आप। नहीं है वाट लग जा रहा है तब इसमें ऐसा लगता है यह वाट है पूरा। शाम के 5:43 हो रहे हैं। ये बीच के बाजू में हूँ मैं और चांद बिल्कुल दिखता है। ये देख सकते हैं हम लोग चांद दिख रहा है बीच के बाजू में। जुबैल है ये और ये यहाँ की बिल्डिंगें हैं बियाबान टाइप की। लोग जुबैल का ये है, ये जो है ये रेतीला रेगिस्तान है, बंजर है बोलते हैं लोग, मगर ये देखो समुद्र है।
हाय, मैं आज आप लोग को अपना रूम दिखाऊंगा और क्या रूम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा बेड है, ये दरवाज़ा है, यहाँ से घुसेंगे, ये दरवाज़ा है, ये आईना है, छोटा सा पोर्टेबल आईना, ये एक रूम, ये एक मेरा बेड, इसके ऊपर ये दूसरा बेड है ना, इसके ऊपर ये बाजू में तीसरा, ये रहा चौथा। ये हम लोग के अलमीरा टाइप की लॉकर दिया गया छोटा सा, ये मेरा जींस और कपड़ा सूखा है, और ये मेरा टॉवल, और ये हमारा सबसे फेवरेट एसी, कोल्ड ड्रिंक हम लोग को देते हैं, यहाँ पर बाहर इतनी धूप है, आज का रेस्ट डे है। कंस्ट्रक्शन है ये, इस साइड में मैं काम करता हूँ, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी बना नहीं है, बनने वाला है, SRU-1 है ये वाला। नहीं, मैं जा रहा हूँ स्टोर, धूप की आदत लग गई है यहाँ पर चल चल के, ये रेती है पूरी, ये प्लांट है, बहुत बड़ा है ये प्लांट, इसका एक छोर में मैं खड़ा हूँ, बहुत बड़ा है, ये धुल धुल हो जा रहा है पूरा। मैं सो के उठा तो मेरे को ठीक लग रहा है, और नहाया फिर अभी ये जो यहाँ ऊपर में रहते हैं राजेश भैया, वो भी अपना कार्गो किया है ना, सामान पूरा भेजे हैं यहाँ से, वो भी गए हुए हैं जुबैल, ठीक है। तो अभी गाड़ी से देखो, ये कोल्ड ड्रिंक का दे दिए पूरा, बोलते गौरव लो पियो, ये पूरा कोल्ड ड्रिंक, ये है मेरा फल फ्रूट अभी इसके लिए, इधर भी है, और ये हम लोग का रूम है ना, और ये एसी हम लोग का चल रहा है, गर्मी रहती है यहाँ पर। ये राजेश भैया का बेड है, ये मेरा बेड है, और ये पंकज का है, गुजरात वाले, और ये तस्लीम, हम लोग सब रहते हैं चार लोग, छोटा सा रूम है, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, और गाड़ी है जिसमें हम लोग जाते हैं काम वाम करने के लिए, एसी चल रहा है, गाड़ी में कोई नहीं है, यहाँ एसी होता है, गाड़ी चालू रख के लोग चला जाते हैं, क्योंकि यहाँ पेट्रोल डीजल बहुत सस्ता है। टाइम नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी घूमना भी नहीं, और पैसा डालने आए हैं लोग, जैसे मणिपुर की जगह है, इतना भीड़ लग रहा है, रात में माहौल है। ये है मेरा प्लांट, वासेद गैस प्रोजेक्ट है ये, और ये हूँ मैं, धूप धूप में मर रहे हैं। यह प्लांट हमारा, ये कुछ एक ही भाग है बस,